Vivo V20 Pro स्मार्टफोन का लाइव इमेज और रिटेल बॉक्स लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन लीक हो चुका है, जिससे इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस का भी पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके लीक्स, स्पेसिफिकेशंस और इसके इंडियन प्राइसिंग के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Vivo थाईलैंड में अपनी नई V20 सीरीज को लॉन्च करने वाली है, जिसमें हो सकता है कि इस सीरीज में आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिले, Vivo V20, Vivo V20 SE और Vivo V20 Pro 5G। फोन के बारे में पिछले कई दिनों से लीक्स आ रहे थे, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट कन्फर्म लीक्स निकल के आ चुका है, जिससे हमें इसके हाइलाइटेड स्पेक्स और डिजाइन के बारे में पता चलता है। आप खुद देख सकते हैं कि Vivo V20 Pro का रिटेल बॉक्स के साथ इमेज आ चुका है, जिससे ये पता चल रहा है कि बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप और ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगा। फ्रंट पैनल में आपको टॉप सेंटर में आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अगर डिटेल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.44 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा, जिसमें और एक खास बात है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर दिया जाएगा। तो प्रोसेसर देखा जाए तो Vivo एक अच्छा प्रोसेसर यूज कर रही है, बस देखने वाली बात यह है कि इस फोन का प्राइस क्या रहने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो बताया जा रहा है कि 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ आएगा तो ये बढ़िया नहीं है। कम से कम 6+128GB ये वेरियंट भी आना चाहिए, जिससे इसका प्राइस कुछ तो कम होगा और बहुत सारे यूजर्स को 6+128GB वेरियंट ही ज़्यादा पसंद आता है। वहीं अगर इसके कैमरे की बात करें तो फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आएगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। वहीं फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको 44 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो Vivo स्टार्टिंग से कैमरा फोन की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है और स्पेशली V सीरीज के जो फ़ोन आते हैं उसमें आपको कैमरा अच्छा देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको अभी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कम बैटरी, यानी कि 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, जिसमें 33W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रही बात इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो लीक्स में यही निकल के आ रहा है कि इसका जो प्राइस रहने वाला है 8+128GB रैम वेरियंट का, वो 28,000 से 30,000 रुपये रहने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो एक तो ऐसे ही OnePlus Note 25,000 से 30,000 के बजट में Vivo V20 Pro का सबसे बड़ा कंपटीटर रहने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि Vivo अगर इस प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन को लेकर आती है तो ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप इस स्मार्टफोन से रिलेटेड और भी आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।